वो कलयुग की सावित्री है जो अपने पति के लिए यमराज से तो लड़ गई पर इस देश के सड़े गले सिस्टम ने उसे हरा दिया। वो अपनी जान देके भी अपने पति को बचाना चाहती थी। जब यमराज उसके पति की सांसें छीन रहे थे तो वो यमराज के सामने खड़ी थी। वो यमराज से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी पर अफसोस कि उसे सिस्टम ने हरा दिया। इस तस्वीर को कोई कैसे भूल सकता है? आज एक इंटरव्यू के दौरान रेणु अग्रवाल ने क्या क्या कहा वो जानने से पहले, नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बाकी रेणु अग्रवाल ने क्या बातें बोली, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूं। 23 अप्रैल की उस सुबह मेरा सूरज डूब गया। सुबह 7 बजे की बात है, पति रवि अग्रवाल को 4-5 दिन से बुखार था। घर पर दवाएं ले रहे थे, सुबह उठे तो उन्हें तेज बुखार था। उनकी सांसें फूलने लगी। सुबह 8 बजे मैंने बेटी को भेज सड़क से ऑटो लाने को कहा। पति को ऑटो में लेकर सीधे खतैना स्थित एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गई। वहां उन्होंने हालत देखकर कहा, इनमें कोविड के लक्षण हैं, अस्पताल में भर्ती कराओ। उन्होंने मानस नगर स्थित एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उसी ऑटो में पति को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां ऑटो में बैठे मेरे पति की हालत देखकर स्टाफ ने कहा, यहां ऑक्सीजन नहीं है, बेड भी नहीं है, हम भर्ती नहीं कर सकते, कहीं और ले जाओ। इन्होंने यह भी कहा कि ये नहीं बचेंगे। मैं घबरा गई, अस्पताल स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे पति को भर्ती कर लो। मैंने कहा, आप भर्ती कर लो, अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उन्होंने भर्ती नहीं किया। फिर मैं गंभीर हालत में पति को लेकर SN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंची। रास्ते में उनकी सांसें उखड़ गई। इमरजेंसी पहुंची तो वहां 20 मिनट तक उन्हें कोई ऑटो से उतारने वाला नहीं था। इमरजेंसी के गेट पर मेरे पति की मुंह से जीभ बाहर निकल गई। मैं बदहवास हो गई। मैंने अपनी परवाह नहीं की, मुझे तो अपना पति चाहिए था। अपने मुंह से मैंने उन्हें सांस दी। मैं अपनी जान देकर भी उन्हें बचा लेती, लेकिन अफसोस इस देश के सिस्टम से हार गई। आगे रेणु अग्रवाल ने रोते हुए कहा कि मैं कितनी अभागी हूं जो मेरे पति मेरी गोद में दम तोड़ दिए। उस दिन अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती तो वो आज जीवित होते। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्हें मुंह से सांस देने के बाद मैं 3 दिन बीमार रही। गले में खराश, हल्का बुखार आया, गर्म पानी व दवा से ठीक हो गई। भगवान मुझे ले लेता लेकिन मेरे पति को दे देता। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, किराए के मकान में रहती हूं, बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, ये सारी बातें कह के रेणु फूट फूट कर रोने लगी। सतयुग में सावित्री यमराज से जीत गई थी, वह अपने पति के प्राण उससे छीन लाई थी, लेकिन आज की सावित्री इस महामारी में हमारे देश के सिस्टम वाले यमराजों से हार गई। ऑक्सीजन संकट के उस भयावह दौर में पति को मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश करने वाली रेणु अग्रवाल की तस्वीर देश भर में वायरल हुई थी। बाकी इस देश के सिस्टम से एक सवाल है। सवाल यह कि क्या इतना कुछ हो जाने के बाद रेणु अग्रवाल को इस सरकार से कुछ मदद मिलेगी? क्या रेणु अग्रवाल को उनके आगे के जीवन और उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी? सवाल यह भी है कि यदि मदद मिलती है तो किस हद तक मिलेगी? बाकी सरकार की जिम्मेदारियां रेणु अग्रवाल के साथ तमाम उन परिवारों के लिए होनी चाहिए जो इस भयंकर महामारी में अपनों को खोए हैं। बाकी आप सबकी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। धन्यवाद।